नाबालिग से रेप केस में आसाराम को दोषी करार दिया गया है। जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। आसाराम के अलावा यौन शोषण मामले में सह आरोपी शरत चंद और शिल्पी को भी कोर्ट ने दोषी माना है, जबकि शिवा और शिल्पी को अदालत ने बरी कर दिया है। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में बने कोर्ट में ही इस मामले पर सुनवाई चल रही है। जेल में लगी अदालत में आसाराम अपने तय समय से 15 मिनट की देरी से पहुंचे। कहा जा रहा है कि इससे पहले आसाराम बैरक में ही बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। कोर्ट रूम में पहुंचने के कुछ मिनट बाद जज ने आसाराम को दोषी करार दे दिया। आसाराम के यहां पहुंचने से पहले ही केस पर सुनवाई चल रही थी। अब दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बहस हो रही है। दोषी करार देते ही पुलिस की ओर से जज को दलील दी गई है कि जोधपुर समेत राज्य के दूसरे शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इसलिए संभव हो तो फैसले का ऐलान आज ही कर दिया जाए, क्योंकि अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो फिर ऐलान की तारीख पर प्रशासन को एक बार सुरक्षा के इंतजाम आज ही की तरह करना पड़ेगा।